भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र के माधोपुर गांव में 21 अगस्त की रात जमीन विवाद को लेकर सोए हुए फूलन शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वहीं घटना को अंजाम देने के बाद मुख्य आरोपी मिथुन मंडल फरार थे, जिसके बाद पुलिस ने तकनीकी अनुसंधान के आधार पर जोगसर थाना क्षेत्र स्थित मोक्षदा स्कूल के पास से मिथुन मंडल को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार मिथुन मंडल अदालत में आत्मसमर्पण करने की फिराक में था और वकील से मिलने जा रहा था, लेकिन पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया। वहीं गिरफ्तारी से पहले पुलिस ने मिथुन मंडल के घर पर छापेमारी की थी, जहां से 6 टन अवैध भांग भी बरामद किया गया था। मृतक फूलन शर्मा के परिवार ने आरोप लगाया था कि मिथुन अवैध नशा के कारोबार में शामिल था और अपराधियों को संरक्षण देकर इलाके में दहशत फैला रहा था। पूरे मामले को लेकर नाथनगर इंस्पेक्टर राजीव रंजन सिंह ने बताया कि मिथुन मंडल की गिरफ्तारी के साथ ही दो अन्य आरोपितों को पहले ही जेल भेजा जा चुका है और मामले की जांच जारी है। वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर उनके निर्देश अनुसार गंभीर कांडों में फिरार अभियुक्तों को सत्यापन और गिरफ्तार बारे में लगातार छापेमारी चल रही है। आज भागलपुर पुलिस को बड़ी कार्रवाई हुई है। दिनांक 21/8/24 के रात्रि में नाथनगर थाना अंतर्गत माधापुर के रहने वाले मुकेश कुमार राकेश उर्फ फूलन शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मृतक के पत्नी के लिखित आवेदन आधार पर नाथनगर थाना अंतर्गत 328/24 केस दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अभियुक्तों को गिरफ्तारी हेतु सिटी डीएसपी 2 उनके नेतृत्व में एक विशेष टीम गठन किया गया। उस विशेष टीम और तकनीकी शाखा और पुलिस पदाधिकारी अन्य पुलिस पदाधिकारी कर्मियों को के उनको छापेमारी हो रहा था। दिनांक 24/9/24 को घंटाघर के पास अभियुक्त मिथुन कुमार उनको गिरफ्तार किया गया। उल्लेखनीय है इस कांड में पूर्व में दो व्यक्तियों को पहले गिरफ्तार हो चुका है, उनका नाम बंगटू मंडल और वरुण मंडल। ये मिथुन कुमार पिता लक्ष्मण मंडल साकिन माधोपुर थाना नाथन नगर जिला भागलपुर। सो मिथुन कुमार को इनको आपराधिक इतिहास भी पता चला है। नाथन नगर थाना कांड संख्या 154/21 और नाथन नगर थाना कांड संख्या 297/24 दोनों कांड में मिथुन कुमार वो अपराधी कर्मी है। भागलपुर के नाथनगर प्रखंड के बेलखुरिया पंचायत में बाढ़ पीड़ितों को भोजन नहीं मिलने से ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ गई है। राजपुर गांव के ग्रामीणों ने मुखिया प्रतिनिधि ब्रजेश कुमार को घेर कर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें सरकारी भोजन नहीं मिल रहा है, जबकि मनियारपुर गांव के लोगों को खाना उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं ग्रामीण सुरेश यादव ने बताया कि राजपुर के लोग भी बाढ़ से प्रभावित हैं, लेकिन उन्हें भोजन से वंचित रखा गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुखिया ब्रजेश कुमार का कहना है कि वो अपने निजी कोष से खाना खिला रहे हैं और जिसे चाहेंगे उसी को भोजन देंगे। वहीं ग्रामीण ढोड़ी यादव ने बताया कि मुखिया के बासा पर खाना बन रहा है, लेकिन वहाँ कोई बाढ़ पीड़ित नहीं है, जबकि राजपुर के लोग बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है और उनके घरों में पानी घुसा हुआ है। वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि मुखिया लोगों को देखकर ही सहायता प्रदान कर रहा है। राजपूत गांव के लोग भूखे लौट आए क्योंकि उन्हें भोजन नहीं दिया गया, जबकि जो बाढ़ से पीड़ित नहीं है उन्हें भोजन वितरित किया जा रहा है। इधर मामले को लेकर मुखिया प्रतिनिधि ब्रजेश कुमार ने इन आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि पंचायत में दो जगहों पर सरकार द्वारा और एक जगह निजी किचन चलाया जा रहा है। प्रशासन ने जिन क्षेत्रों को बाढ़ से अधिक प्रभावित पाया है वहां राहत किचन संचालित किए जा रहे हैं। ख्याल के लिए करके खाना हमरा अपना खिला रहे हैं तो अपना खिला रहे हैं अपने दीजिए। ऐसे आसाम कभी जिला परिषद के करता है फोन, कभी किसको करता है, वहाँ से क्या बोलता है कुछ बैठे सवेरे से बैठे बैठे भूखे अभी आए हैं घर में खाए। कौन पंचायत में खाना नहीं मिल रहा, कौन सा गांव में? बेलखुरिया पंचायत में राजपुर गांव में। मनियारपुर में तो किचन लगा हुआ है। किचन लगा हुआ है, राजपुर वाला कोई कभी नहीं किया है और खाने के लिए। मनियारपुर वाले को कहना है क्या कि खाना मतलब मनियारपुर खाएगा, राजपुर नहीं? राजपुर नहीं।
क्या नाम आपका? सुरेश यादव। नारायणपुर को देवे ने किया है तो हमने वो किया तो किसके नारायणपुर को हमको वोट दिया है जुमदे का? एक कौन बोला ये बात? मुखिया बोलता है और कौन बोलता है? मुखिया का क्या नाम है? मुखिया परवेश अधी क्या कहना उनका क्या है? खाना राजपुर वाले का देवे ने क्या? हमारा कहने का मतलब है कि जब राजपुर तक भाषा है तो राजपुर को दीजिए, तो छौनिया वाले को जब कुछ है नहीं है, जमीन वाले को नहीं है, वो सबको मतलब पूरा सबको दावत देखो वहाँ खिलाते हैं, अब बाकी जो पानी में डूबता है उसको कुछ नहीं। क्या दिक्कत छे ना कि मुखिया जी कह रहे जी कि राजपुर में पानी नहीं है, जब भी खाना मिल रहा है मनियारपुर रो और बासाब जी खाना बना रहे जे वहाँ बर्फीत है नहीं, बाकी लोग आए भी बोले जाए कि ये वोट नहीं दिले जे। क्या बोले जे? मुखिया जी, मुखिया जी की नाम है? मुखिया बर्जेश। अपने तीखे बयानों के लिए चर्चित जदयू विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल ने एक बार फिर अपनी ही पार्टी के सांसद और सहयोगी दल भाजपा के विधायक पर निशाना साधा है। बाढ़ पीड़ितों से मिलने के दौरान गोपाल मंडल ने भागलपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद अजय मंडल और बीपुर के भाजपा विधायक इंजीनियर शैलेंद्र पर कड़ा बयान दिया है। गोपाल मंडल ने कहा कि सांसद अजय मंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चलते चुनाव जीते हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि अजय मंडल चुनाव जीतने के बाद जनता से दूरी बना लेते हैं और 5 साल तक जनता की सूद नहीं लेते हैं। उन्होंने कहा कि सांसद जनता को अनदेखा करते हैं और फिर मोदी नीतीश के नाम पर अगले चुनाव में जीत जाते हैं। साथ ही गोपाल मंडल ने भाजपा विधायक शैलेंद्र कुमार पर बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि शैलेंद्र कुमार खांटी फॉरवर्ड है और बैकवर्ड इलाकों में जाने से कतराते हैं, वे वहां लोगों के घर का पानी भी नहीं पीते हैं। गोपाल मंडल ने दावा किया कि पिछली बार उन्होंने ही शैलेंद्र को चुनाव में जिताया था, लेकिन शैलेंद्र कुमार अब अपने स्वभाव के कारण आलोचना का सामना कर रहे हैं। इधर गोपाल मंडल की इन बयानों ने एक बार फिर NDA गठबंधन में अंदरूनी खींचतान को उजागर कर दिया है, जहाँ जदयू और भाजपा के नेताओं के बीच मतभेद साफ नजर आ रहे हैं। देखिए, सांसद का जहाँ सवाल है, सांसद का तो ये बीमारी है, उनकी लाचारी है, जीतने के बाद कहीं जनता भाड़ में जाए उससे कोई मतलब नहीं। अब 5 साल तक ढुलका पीटते रहे सब कोई, हम लोग तो चुनाव जिता दिए, लेकिन उसको कोई जरूरत नहीं। 5 साल फिर समय आएगा तो नीतीश कुमार मोदी जी के नाम पर चुनाव जीत जाएगा, फिर 5 साल दर्शन नहीं होगा इनका। कहीं भी विधानसभा के भी चुनाव लड़ते थे, कोनो गाँव जाते थे, कोनो गाँव नहीं। एक बार तो गए बरिया रसदपुर तरफ, नाथगढ़ से चुनाव लड़ रहे थे, ईटा पत्थर बरसात भागा, तब नीतीश कुमार ने हमको बोले, मुख्यमंत्री ने जाई गोपाल जी समझाए, तब समझा बुझा के फिर माफी इनसे मंगवाए। ये सब है इनमें बीमारी। अरे कुर्सियाँ मिल गया कोई भी होता है, हम तो ये क्या कहा जाए, शुरू से जुझारू रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, बात बोलते कहीं भी किसी प्रकार का हम दौड़ जाते, वो लोगों को दौड़ने का बीमारी नहीं है। बगल में बुलो मंडल है, कभी ध्यान नहीं दिया, अब तो कहानी है इनका समाप्त है। बुलो का इलाका कहाँ, वो तो खत्म हो गया था इलाका, उसका कहाँ, अभी सिलेंडर का इलाका है, बोलो तो खत्म हो गया। सिलेंडर भी ध्यान नहीं दिए, नहीं दिए भाई, वो तो खोलवा दिए, चदरा हटवा दिए, मिट्टी हटवा दिए, ध्यान नहीं दिए, पानी घुस गया। ये तो क्या कहा जाए, ग्रामीण लोग, ये विजय का सहयोग सब, इनके लोग सब जुट के आए, जिन्होंने चदरा फदरा दुनिया, चदरा तो दिया, मुरते मारते भाग गया, तो गाछ सब गिरा गिरा के किसी तरह बांध के जम किया। सिलेंडर के प्रति तो आक्रोश है, ये तो समय पर ना, 5 साल के जब अंतिम होता है तब पता चलाता है, वोटवा मांगने के लिए तब ना पूछेगा, अभी लगे नहीं दे रहा है। अब फिर 5 साल में अजय मंडल को इस्माइलपुर में पहचानता नहीं तो गोपालपुर में आप कौन है, आपको जानते नहीं, कभी देखे नहीं किया था। मोदी नीतीश की लहर में उन्होंने चुनाव जीत गया, अगला बार तो 1 लाख कुछ वोट हम दिलवाए थे, अब की बार तो 40,000 से गोपालपुर लीड करवाए, उसी लीड से चुनाव जीत गए। अब पब्लिक का सुनने वाले नहीं है, पब्लिक से कोई नाता फाता नहीं रहा, अब 5 साल के बाद फिर आएगा।
भागलपुर जिले के नारायणपुर प्रखंड के बैकटपुर दुधैला पंचायत में तेज आंधी तूफान और बारिश ने बाढ़ पीड़ितों की स्थिति को गंभीर बना दिया है। गंगा का जलस्तर बढ़ने से पहले से ही बाढ़ की चपेट में आए ग्रामवासियों के सैकड़ों फूस के घर गंगा नदी में समा गए। इस हादसे में दर्जनों लोग भी घायल हो गए, लेकिन अब तक प्रशासन की ओर से कोई राहत या सहायता उपलब्ध नहीं कराई गई है। बाढ़ पीड़ितों ने बताया कि वे 10 दिनों से बाढ़ के पानी में फंसे हुए हैं और तेज आंधी और बारिश ने उनकी हालत और खराब कर दी है, जिसमें उनके घर बह गए और दर्जनों लोग घायल भी हो गए, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से अब तक कोई मदद नहीं मिली है। बाढ़ पीड़ित भूखे पेट किसी तरह जीवन यापन कर रहे हैं। बैकटपुर दुधैला पंचायत के मुखिया अरविंद मंडल और समाज सेवी अरुण मंडल ने बताया कि लगभग 14,000 की आबादी वाले इस पंचायत के लोग गंगा के बढ़ते जलस्तर से प्रभावित हैं। लोग फूस के घरों की छतों पर शरण लिए हुए थे, लेकिन आंधी तूफान के कारण सैकड़ों घर गंगा नदी में समा गए हैं। उन्होंने बताया कि सीओ, वीडियो, एसडीओ और विधायक से लगातार शिकायतें की गई, लेकिन अब तक प्रशासन की ओर से कोई टीम निरीक्षण के लिए नहीं आई है। साथ ही बाढ़ पीड़ितों को अब तक सूखा राशन भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। वहीं बाढ़ पीड़ित लोग अब मदद की आस में हैं, लेकिन प्रशासन की निष्क्रियता ने उनकी परेशानियों को और बढ़ा दिया है। जो सर डुबाम से लेकर लोग कितने लोग हैं डूबे में? डुबाम तो 3-4 लोग छे, पंचायत भरी डुबाम छे। जी जी जी, कौन सा पंचायत में? थोड़े जाए बैकटपुर पंचायत, सब डूबा हुआ है। सब डूबा छे। क्या नुकसान हुआ आप लोगों का? नुकसान तो लोग भसले डूबले बोहले राती आर वोले दारू सबके बोहले माल जल खाए पानी में अंधाज जे सब पस्त हो। तो आप लोग ये छप्पर पे होंगे, आंधी आया होगा तो कब की पानी में कने रहती, पानी काल न से घटे छे। रात में जैसे कि आंधी आया डायरेक्ट आ गया, एक ही बार आ गया तो फिर सब कुछ भसने लगा, टटिया पर की सब टूट गया, पलंग चले गया, 12-15 ड्राम भस गया। उसके बाद फिर हम लोग अपना जान बचाने के पीछे भाग के जान बचाने के लिए क्या करें? कोई लोग डूबा भी था गंगा में क्या? नहीं, इधर डूबा नहीं है। भागलपुर सुल्तानगंज के तिलकपुर पंचायत स्थित नसोपुर गांव के बाढ़ प्रभावित लोगों ने राहत सामग्री और सरकारी सहायता नहीं मिलने पर NH-80 को जाम कर दिया। प्रदर्शन के दौरान राजद युवा प्रदेश सचिव मोहम्मद नसीम मौके पर पहुंचे और बाढ़ प्रभावित लोगों की समस्याओं को समझते हुए SDO से फोन पर बात की, जिसके बाद उन्होंने जल्द ही समस्या समाधान का आश्वासन दिया। वहीं CO रवि कुमार और BDO संजीव कुमार भी मौके पर पहुंचे और बाढ़ पीड़ितों को समझाने के बाद उन्हें राहत सामग्री देने का वादा किया, जिसके बाद सड़क जाम को समाप्त करवाया गया। इस दौरान तिलकपुर पंचायत के मुखिया अमित कुमार, उप मुखिया सत्यम कुमार और अन्य ग्रामीण उपस्थित रहे। पब्लिक लोग आज 3 दिन से क्या कहा जाता है बाढ़ आपदा में लोग सब तरह से फंसा हुआ था, ना चलन शौचालय की व्यवस्था थी और ना क्या कहा जाता है राशन इनको प्रोवाइड किया गया था। और 4 सेंटर कोलकाता में चल रहा है, लेकिन नसोपुर में सेंटर का अभाव था। दूरदर्शिता आपदा विभाग और हमारे पंचायत प्रतिनिधि जो मुखिया जी हैं वो ढंग से नहीं करवा पाए, इसके चलते यह सिचुएशन आया। अभी ग्राम पंचायत तिलकपुर में एक जो आपदा में सेंटर चल रहा है कन्या मध्य विद्यालय तिलकपुर को, मैंने अपना सेंटर को बंद करके मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी को कहा कि मेरा सेंटर क्लोज कीजिए तिलकपुर का और उसको आप क्या कहा जाता है नसोपुर में शिफ्ट कीजिए और सारे लोग को राहत दीजिए।